मेरी इस वीडियो की वॉइस क्वालिटी को देख के आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने कोई प्रोफेशनल माइक लगा रखा है या फिर कोई ऐसा ब्रांडेड महंगा माइक लगा रखा है जिससे मेरी वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं आप लोगों को यहाँ लाइव प्रूफ दिखा दूँ। देखो, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग इस फ़ोन से कर रहा हूँ। अभी जो मेरी वॉइस आप सुन रहे हो वो सारी रिकॉर्ड हो रही है सिर्फ एक मोबाइल के अंदर। इस मोबाइल से मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है और वही वॉइस आपको सुनाई दे रही है। अब आप लोगों को लग रहा होगा, भाई हम तो बड़े बड़े माइक लगाने की सोचते हैं, अच्छे अच्छे माइक का यूज करने की सोचते हैं और उसके बाद ही हमारी वॉइस अच्छी नहीं आ पाती है, और ये बंदा सिर्फ एक मोबाइल से यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है और इसकी वॉइस एक अच्छे खासे माइक की जैसी रिकॉर्ड हो रही है, तो वह कैसे हो रही है? देखो, हम रिकॉर्डिंग किसी से भी करें वो फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे 120 रुपए के माइक से करें, चाहे 100 रुपए के माइक से करें, या भी आप 20,000 का माइक ले लें, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन होता है आपकी स्टूडियो का सेटअप। अगर आपने अपने स्टूडियो यानी कि जहां पर आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां का सेटअप बेहतरीन बना रखा है तो आप सिर्फ एक ईयरफोन से भी रिकॉर्ड करते हैं तो वो भी काफी अच्छी रिकॉर्ड हो जाएगी। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने वो सेटअप, वो पॉइंट को ध्यान में रखना है जिनसे आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग को सबसे बेहतर बना सकते हैं। चाहे आप एक ईयरफोन से रिकॉर्ड क्यों ना कर रहे हो, आपकी वॉइस क्वालिटी फिर भी बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड होगी। अब वो पॉइंट जानने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूंगा, ये बात मेरे दिल से निकलेगी। चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें कि इसमें आपको ऐसी बेहतरीन जानकारी मिलते रहे। आपने अगर किसी म्यूजिशियन को देखा होगा या फिर किसी सिंगर को देखा होगा तो आप ध्यान देना वो वॉइस रिकॉर्ड कहां पर करता है। वो ऐसा नहीं कि अपने रूम के अंदर वॉइस रिकॉर्ड कर लेता हो या फिर कहीं पर भी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेता हो। वो एक प्रॉपर सेटअप में जाता है जहां पर वॉइस रिकॉर्डिंग करता है और उसकी बोली हुई आवाज सिर्फ वो ही सुन सकता है। बाहर जो लोग वहां कंपोजर लोग बैठे होते हैं या फिर उनकी टीम लोग बैठे होते हैं वो उसकी एक्चुअल वॉइस को भी नहीं सुन पाते हैं। वो सिर्फ सुनते हैं तो उसके जो हेडफोन होते हैं उसके थ्रू वहां पर आवाज उसकी सुनते हैं कैसा गाना रिकॉर्ड कर रहा है। तो आप लोगों ने सोचा वो क्यों नहीं अपने एक रूम के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो क्यों नहीं ऐसे नॉर्मली रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्यों इतना प्रोफेशनल सेटअप बनाते हैं? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वो पॉइंट बताने वाला हूं कि वो क्यों करते हैं। देखो, मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूं, शायद आप उससे खुद को रिलेट करोगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं अपनी जो वॉइस रिकॉर्ड करता हूं सबसे पहले मैं एक चीज ध्यान देता हूं। देखो, मैं घर के अंदर अपने कमरे के अंदर वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूं। घर में मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। अब हर कोई बंदा मेरे इशारों में तो चलेगा नहीं। किसी को काम होगा वो काम करेगा अपना, किसने किचन में खाना बनाना खाना बनाएगा, किसने किसी से बात करनी तो बात करेगा। तो यानी कि वो अपना प्रॉपर नियम कानून से काम करेंगे। अगर उनकी आवाज़ से मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है तो उनमें उसमें उनकी गलती नहीं है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनसे ये काम को फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरे घर में मान लो भी काम चल रहा है, कोई काम हो रहा है, किचन में काम हो रहा है, बर्तन की आवाज़ आ रही है और मैं इस टाइम में वॉइस रिकॉर्ड करूँ तो मेरी वॉइस में वो बर्तन की आवाज़ भी रिकॉर्ड होगी। मान लो मेरे घर में कोई फोन में बात कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, लाउड बात कर रहा है, तो वो रिकॉर्ड भी यहाँ पर हो जाएगी। तो मैंने क्या करना है कि वो वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड ना हो। मेन होता है ना, हमारी ऑडियो क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हमारे बैकग्राउंड नॉइस है उसको सबसे पहले रिमूव करना पड़ता है। वो रिमूव हम किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं करेंगे, हमने अपने दिमाग से रिमूव करना है। कैसे? हम ये देखें कि हमारे घर के अंदर किस टाइम पे सबसे कम हल्ला होता है, किस टाइम पे लोग सबसे कम एक्टिव होते हैं, उस टाइम पे अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो। इस टाइम मॉर्निंग का समय है, मेरे घर में भी कोई नहीं है, माता जी अपने काम में कहीं कुछ कर रही होंगी, कि चाहे वो बाथरूम में कपड़े धो रही होंगी या छत में होंगी, पिताजी कहीं गए हैं, बाकी मैं यहाँ पर रूम में हूँ। यानी कि मेरे घर के बाहर कोई बोलने वाला इस समय नहीं है, तो मेरी वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकता, बेहतर वॉइस रिकॉर्ड हो। अब दूसरी बात, अब आप लोगों को मैंने बोला कि भाई मैं इस मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस मोबाइल से बेहतर वॉइस कैसे रिकॉर्ड हो रही है? हम लोग भी यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं लेकिन हमारी वॉइस अच्छी रिकॉर्ड नहीं होती है। देखो, आप में मुझ में एक अंतर है। आप लोग जब रिकॉर्ड करते हो ना, अपने फोन को एक जगह में स्टेबल नहीं रख दो। आप लोग तब से नोटिस कर रहा है मेरे हाथ आपको दिख रहे हैं लेकिन मेरा फोन नहीं दिख रहा है। मैं चाहता अपने फोन को हाथ पकड़ के ऐसा वैसा कर सकता था, लेकिन उससे ये होगा कि जब मेरा फोन मेरे मुंह के पास आएगा मेरी आवाज लाउड रिकॉर्ड होगी, और जब मेरा फोन मेरे मुंह से दूर जाएगा मेरी आवाज जो है वो हल्की रिकॉर्ड होगी। अब इसी में फ्लक्चुएशन से आपकी वॉइस क्वालिटी डाउन हो जाती है, बेकार हो जाती है, आपको वही चीज पसंद नहीं आती है। आप जिस चीज से रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे आप एक ईयरफोन से रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे आप किसी सस्ते माइक से रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर किसी भी फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो, आप अपने फोन को एक जगह में स्टेबल रखो, एक जगह में पॉइंट करके रख दो, एक जगह में, चाहे वो आपके फोन की स्क्रीन में या फिर कैमरे के स्क्रीन में डिस्प्ले में शो हो रहा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये मत सोचो कि हमारा फोन दिख रहा है तो ऑडियंस क्या सोचेंगी, कोई कुछ नहीं सोचता है।
एक जगह में स्टेबल रखो जहां पर आपको लगता है प्रॉपर इसका माइक यहां पर आपके मुंह की तरफ को होना चाहिए, बस इतना कर लेंगे तो आपका आधे से ज्यादा काम तो यहां पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपके रूम का डेकोरेशन। जब मैं इस मकान में नया आया था, यह मकान मैंने हाल में बनाया, तब मैं इसके अंदर वॉइस रिकॉर्ड करता था तो मेरी वॉइस में इको आता था क्योंकि मेरे रूम के अंदर उतना सामान नहीं था, एक मेरा बेड था, मेरी टेबल थी, बस ये सिस्टम भी नहीं था उस टाइम पे, मैंने खरीदा नहीं था, तब मेरे रूम में इको आता था। तो उस इको को हटाने के लिए मैंने क्या करा, घर के जितना सामान था, पेटी, बड़े बड़े चीज जो भी थी, वो सब मैंने रूम में ला कर रख दिया। फिर इको काफी हद तक कम हुआ, जो आपको पीछे यहाँ पर एकोस्टिक फॉर्म नजर आ रहे हैं मैंने ये भी लगाए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इनसे फर्क तब पड़ता है अगर आप पूरी चारों तरफ की और छत में साथ में पूरी हर साइड की दीवारों कवर कर लो, तब ये काम करेगा, नहीं तो इक्के दुक्के लगाने से कोई फायदा नहीं। उसके बाद मैंने जब सामान भर दिया, इको काफी हद तक कम हो गया। उसके मैंने नेक्स्ट स्टेप एक और चीज करा, हमारे घर में ये पर्दे दिख रहे, ये पर्दे पहले नहीं थे, ये पर्दे हमने जैसे ही लगवाए मेरा इको 95% और खत्म हो गया, बचा गया कुछ भी नहीं। उसके बाद धीरे धीरे सामान बढ़ता रहा तो यहाँ पे इको ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया पूरी तरह। अगर आपकी आवाज में इको आ रहा है तो सबसे पहले अपने रूम को भरो, सामान भर दो, पेटियां भर दो, जो जो आपको सामान लगता है बड़ा बड़ा भारी भारी सामान वो भर दो, उसके बाद इको कम हो जाएगा। उसके बाद और इको हटाना है आपने तो घर में पुराने कपड़े हैं, बर्तन, जैसे कि साड़ियां हो, पर्दे हो, ऐसे आप दीवारों में टांग दो, चाहे आप कील ठोक के टांग दो, चाहे लकड़ी के सारे टांग दो, कैसे भी चिपका दो, आप दीवारों में, दीवारों के और आपके बीच में एक लेयर लगा देनी है ताकि आपकी आवाज़ डायरेक्ट दीवार में ना पड़े। ये पर्दा है, अब ये पर्दा दीवार में है, अब मैं बोलूंगा तो मेरी आवाज़ पहले पर्दे में जाएगी, इसके बाद ही दीवार में जाएगी, तो दीवार में टकराएगी आवाज़ वापस आने पर्दे के पीछे फिर टकराएगी और वापस यहाँ माइक में नहीं पहुँच पाएगी। आधी आवाज तो यहाँ रुक गई और आधी आवाज वापस आने में रुक गई, तो इको तो तुरंत खत्म हो गई। तो आप समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ, आप किसी भी माइक से रिकॉर्ड कर लो, कोई सा ही माइक हो, चाहे सिंपल फोन से रिकॉर्ड कर लो, मैं तो मानता हूँ ना जो फोन का इनबिल्ड माइक होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। मैं एक बार शायरी वाला चैनल बनाया था, मैंने शायरियां अपनी जितनी भी मैंने रिकॉर्ड करी थी सब फोन के माइक से रिकॉर्ड करी थी। आप सिर्फ माइक को कहां पर रखना है आपके सेटअप पे डिपेंड करता है सारा कुछ, आपके स्टूडियो के सेटअप पे, आपके माइक के सेटअप पे। माइक का सेटअप मैंने बताया कि माइक को हिलाना डुलाना नहीं है, यानी कि फोन को हिलाना डुलाना नहीं है, एक जगह में स्टेबल रखो, आपकी बेहतरीन वॉइस रिकॉर्ड होगी। आप इस चीज को एक बार ट्राई करो, देखो सिर्फ हवा हवाई बातें में नहीं यकीन करना, आप खुद एक बार ट्राई करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिले उसके बाद यहां पर कमेंट करना कि भाई मैंने जो जो काम आपने करा वो करा और मेरा ऐसा रिजल्ट मिला, आपको जो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो एग्जाम्पल आपके सामने है ना, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मेरी क्यों नहीं बिकार हो रही आ रही आवाज, सर बेहतरीन आवाज आ रही, मैंने कोई माइक नहीं लगा रहा। तो इस तरीके से आप अपनी वॉइस को बेहतरीन बना सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें।